हाय गाइस, माय नेम इज जुल एंड वेलकम बैक टू चैनल। और गाइस, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेनोक्सिडिल के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, मेरे पास दो दो बॉक्सेस पड़े हुए हैं मेनोक्सिडिल के इस वक्त। और गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको हेयर फॉल या हेयर लॉस जैसी समस्या हो रही है और आप सोच रहे हो मेनोक्सिडिल को यूज करने का, तो आपको क्या बेनिफिट होंगे और क्या इसके साइड इफेक्ट होंगे, और क्या आपको यूज करना भी चाहिए मेनोक्सिडिल को या नहीं, और कैसे मेरे रिजल्ट रहे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बट क्या मुझे कोई साइड इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। और गाइज, मुझे अब एक महीना हो चुका है मेनोक्सिडिल को छोड़े हुए, बंद किए हुए। तो गाइज, क्या जो मेरे बाल जो रीग्रो हुए थे वो अब तक हैं या वो फिर से झड़ना शुरू हो गए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर मेनोक्सिडिल होता क्या है। तो गाइस, 1950s के अंदर इसे इजाद किया गया था ब्लड प्रेशर की दवाई के तौर पर। बट गाइस, जब इसे पेशेंट्स को दिया डॉक्टरों ने, तो उन्होंने देखा, उन्होंने ये नोटिस किया कि उनके जो हेयर लॉस हो चुके थे वो वापस आने लगे, यानी कि उनका जो हेयर था वो रीग्रो होने लगे। तो गाइज, इसको देखते हुए गाइज डॉक्टरों ने और रिसर्च की, और उसके बाद 1960s के अंदर गाइज इसका नाम पहले कुछ और था, उसके बाद इसे मेनोक्सिडिल कहना स्टार्ट कर दिया। और गाइज, तब से लेकर आज तक मेनोक्सिडिल एक लौती ऐसी दवाई है जो FDA अप्रूव्ड है आपकी बालों की हेयर ग्रोथ के लिए। इसके अलावा गाइज, आपको जितने भी मार्केट में ऑयल या और अनियन टाइप प्रोडक्ट जितने भी हैं, वो उनमें से कोई सा भी FDA अप्रूव्ड नहीं होता है। एक लौती यही दवाई है जो आपका हेयर ग्रोथ कर सकती है अकॉर्डिंग टू FDA। तो गाइज, ये तो बात हो गई कि मेनोक्सिडिल है क्या, आखिर ये काम कैसे करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा वो बताता हूँ। तो गाइज, ये बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, ये BP को कंट्रोल करने के लिए दवाई बनाई गई थी, तो वही ये काम आपके स्काल्प पर भी करता है जब आप इसे अपने सर पर, अपने स्काल्प पर लगाते हो। तो गाइज, ये बेसिकली वहाँ पर ब्लड फ्लो को जो है इंक्रीज कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है उसको इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशंस जो हैं वो आपके स्काल्प की तरफ जाते हैं, और जो आपके बाल, प्रेजेंट बाल हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, वो मोटे हो जाते हैं। अगर वो आपके बाल थिन हो गए हैं और आपके बाल जहाँ से उड़ गए थे, जहाँ से आपका हेयर लॉस हो गया था, वहाँ पर भी दोबारा से हेयर आपको देखने को मिलते हैं। बट गाइज, जैसे कि इसके प्लस पॉइंट हैं, वैसे ही इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो गाइज, वैसे तो मेनोक्सिडिल जो है मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा 5% में गाइज, वो किया जाता है डॉक्टर रेड्डी का मिनटॉप, जो गाइज मेरे पास है, जो आप दोनों बॉक्स देख रहे हो, दोनों ही डॉक्टर रेड्डी के हैं। और गाइज, इस मेनोक्सिडिल के अंदर 5%, 10%, 15% और 20% तक मेनोक्सिडिल आता है, बट सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो 5% को यूज़ किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि 5% जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बट इसके लिए कोई भी स्टडी या कोई ऐसा पेपर मौजूद नहीं है, तो मैं इसका कोई भी आपको क्लेम नहीं करता हूँ। ये सिर्फ कहा जाता है कि 5% जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बट गाइज सबसे ज्यादा हाँ रिकमेंड 5% ही किया जाता है हेयर लॉस के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ गाइज कि इसे यूज करने का तरीका क्या होता है। गाइज, इसको यूज आप दो तरीकों से कर सकते हो, जैसे कि या तो आप इस तरीके से, इसके साथ जो स्प्रे आता है बॉटल के ऊपर, इसकी बॉटल कुछ ऐसी होती है गाइज, ये स्मॉल वाली है, ये 60 ml है और ये 120 ml है, तो इस वजह से आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से गाइज इसकी बॉटल आती है, उसके ऊपर या तो आप ऐसे स्प्रे अटैच कर सकते हो, और उसके बाद आपने स्काल्प पर ऐसे लगा सकते हो। अपनी जड़ों में आपको इसे लगाना है, अपने सर पर लगाना है, ना कि आपके बालों में। अगर गाइज आपके बाल बहुत लंबे हैं, यानी कि आप लड़की हो या आप लड़के हो और आपने लंबे बाल रखे हुए हैं, तो आप ड्रॉपर से भी लगा सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा सहूलियत होगी लगाने में। बट अगर आपके बाल मेरे जितने हैं, छोटे ही बाल आप रखते हो, तो आप, मैं आपको कहूँगा कि आप ये प्रेफर करो, स्प्रे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से लगाने में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो गाइज, ये तो बात हो गई इसे लगाने की। अब आती है मेन बात के इसने मुझे क्या रिजल्ट दिया।
तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मेरे बाल कुछ ऐसे थे, बट मैंने इसे 3 महीने यूज़ किया है गाइस, 3 मंथ्स मैंने इसे यूज़ किया और आप देख सकते हो कितना डिफरेंस मेरे बालों में आ गया। मेरे जो यहाँ से बाल थे आपको अभी वीडियो में भी दिख रहा होगा, अब मेरा पूरा यहाँ से भर चुका है, यहाँ से पूरा खाली हो चुका था तकरीबन, और मुझे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस जो है वो मेरा हो चुका था, बट मैंने ये लगाना स्टार्ट किया और आप देख सकते हैं क्या इसका रिज़ल्ट इसने मुझे दिया। तो ये तो दिखती हुई बात है कि इसने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। और गाइज अब 1 महीना हो चुका है इसे छोड़े हुए और मुझे कोई भी जो हेयर लॉस है वो दोबारा नहीं हो रहा है, 1-2 ही मेरा बाल टूटता है, इतने ज़्यादा मेरे बाल अब नहीं टूट रहे हैं। बट अगर इन फ्यूचर मेरे दोबारा से जो मेरे पैच था वो दोबारा खुल गया तो मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। और गाइज मैं इसे बियर्ड के लिए भी इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो वो भी गाइज मैं आपको आगे इसी चैनल पर वीडियो बनाकर डाल दूंगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो गाइज अच्छा प्रोडक्ट तो ये है, बट इसको लगाने से कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि गाइज मुझे जब मैं इसे अपने सर पर लगाता था, जब मैं अपने बालों में इसे लगाता था, थोड़ी सी मुझे जलन टाइप जो है मेरे स्काल्प पर मुझे महसूस होती थी तकरीबन 5 मिनट के लिए। और गाइज मैंने इसे एक ही बार यूज़ किया है, रात में मैं गाइज इसे यूज़ करता था, वैसे इसे 2 बार दिन में लगाने का रिकमेंड किया जाता है, बट गाइज मुझे इतना टाइम नहीं रहता था तो मैंने सिर्फ 1 बार ही इसे रात में लगाया है, दिन में मैं इसे नहीं लगाता था। और गाइज इसे लगाने में आप तेल नहीं लगा सकते, आप हफ्ते में 1 दिन लगा सकते हो तेल, बट जब आप इसे यूज़ करो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप तेल बालों में मत लगाना, और हो सकता है तेल ना लगाने की वजह से और मिनोक्सिडिल लगाने की वजह से आपको वाइटनेस आपके स्काल्प पर देखने को मिले, जो कि मुझे भी देखने को मिली थी। उसका मैं आपको सॉल्यूशन यही दूंगा कि आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करें, वो आप अपने बालों में लगाएं तो आपको कोई भी वाइटनेस फिर देखने को नहीं मिलेगी। और गाइज रही बात इसकी प्राइसिंग वगैरह की, तो गाइज इसकी जो 60 ml वाली बॉटल है, जो ये वाली पैकेजिंग आती है, ये आपको तकरीबन 750 रुपये की पड़ेगी, और बड़ी वाली पैकेजिंग इसकी 1100 से 1200 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगी। सो गाइज अब बात आती है कि क्या आपको भी मिनोक्सिडिल यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो गाइज मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल नहीं हो रहा है, आपका जो पैचेस हैं सर पर वो नहीं खुल गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे खुल गए थे, सिर पे पैचेस हो गए थे, अगर ऐसा आपकी कंडीशन नहीं है तो पहले आप वेट करें, हो सकता है आपको टेम्परेरी हेयर लॉस हो रहा हो, एकदम से आप मिनोक्सिडिल जैसा बड़ा ट्रीटमेंट यूज़ करना स्टार्ट ना करें। और गाइज मिनोक्सिडिल यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह आप ज़रूर ले लें, और मिनोक्सिडिल से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कुछ भी जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और गाइज अगर आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम नहीं बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर भी बता सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम का अगर कोई भी सॉल्यूशन मेरे पास होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और गाइज ऐसी ही ऑनेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, शेयर कर दो सबको वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।